कुवारिया कस्बे के तहसील परिसर पर शुक्रवार शाम को जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने तहसील कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया व राजस्व रिकॉर्ड व अन्य कार्य व्यवस्थित देख संतुष्टि जताई। मौके पर तहसीलदार हिम्मत सिंह राव, नायब तहसीलदार ललित कुमार यादव आदि ने तहसील कर्मचारियों द्वारा जिला कलेक्टर सक्सेना का मेवाड़ी पगड़ी माला इकलाई पहनाकर स्वागत भी किया। कर्मचारियों से रिकॉर्ड संबंधित जानकारी ली गई। उसके बाद सरपंच ललित श्रीमारी भी मौके पर पहुंचे, जहां पर जिला कलेक्टर सक्सेना का इकलाई से स्वागत करते हुए ज्ञापन सौंपकर कस्बे की पुलिस चौकी की जगह राजकीय कार्यालय उपयोग हेतु भवन उपलब्ध करवाने, वीर तेजाजी चौराहे से 500 मीटर दूर स्थित प्रतीक्षालय चौराहे पर व्यवस्था की जाए और हाई मास्क लाइट लगाई जाए, वहीं रोडवेज बसों के शहर में नहीं होने, सीधी गुजर जाने से यात्रियों को होने वाली समस्याओं से अवगत करवाया एवं कुवारिया तहसील क्षेत्र में आए दिन होने वाली आगजनी से राहत दिलाए, एक फायर ब्रिगेड तहसील को दिलवाने की मांग की गई, ताकि समय रहते काश्तकारों के होने वाली आगजनी की घटनाओं पर समय रहते काबू पा सके। कुवारियागढ़ को ऐतिहासिक महल को लेकर विकसित करने के लिए पुरातत्व विभाग या राजकीय संस्था द्वारा डेवलप किया जाए। कुवारिया पुराना थाने से अंबेडकर सर्कल तक डिवाइडर रोड बनाने की मांग आदि अन्य मांगे की गई।